नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। तिरुपति बालाजी का मंदिर, जिसे जम्मू वासियों को काफी बेसब्री से इंतजार था, आज इस मंदिर का उद्घाटन होगा और आज इस मंदिर को आम जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। कपाट खुल चुके हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 62 एकड़ में ये बनने वाला मंदिर और 30 करोड़ की लागत से ये बनने वाला मंदिर आज आम जनता के लिए खोला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके आज उद्घाटन पर काफी भव्य तैयारियां की गई हैं। मंदिरों के शहर जम्मू में बने प्रदेश के पहले तिरुपति बालाजी के मंदिर के कपाट आज भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर इस उद्घाटन में मौजूद रहे। हालांकि मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को करना था, लेकिन वे किसी कारण इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए। तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण तिरुमल्ला तिरुपति देवस्थान बोर्ड द्वारा किया गया है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में 8 फुट ऊंची भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति की स्थापना की गई है। मूर्ति के निर्माण में ग्रेनाइट का इस्तेमाल भी हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि गर्भगृह के बाहर भी 6 फुट की भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति की स्थापना हुई है। ये मूर्तियां खास तौर से आंध्र प्रदेश से मंगवाई गई हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से ये मंदिर काफी महत्वपूर्ण है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले भक्त अब जब भी जम्मू आएंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन भी कर सकेंगे। इससे धार्मिक पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वेंकटेश्वर जीवन की वह अनुभूति है जिनके बिना इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता। जम्मू की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर, और एक ही समय में एक नहीं अनेकों उपहार वेंकटेश्वर के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज हम बार बार बोलते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक आध्यात्मिक प्रांत है, देश है, धरती है। आज फिर एक बार बालाजी का मंदिर आज इस जम्मू में इस पवित्र स्थान पर जो आज विराजमान हुआ है वेंकटेश्वर स्वामी जी बालाजी का, उससे फिर एक बार दुनिया भर में एक संदेश भारत के तरफ से बालाजी का दर्शन से, बालाजी का मूर्ति का इधर अभिवादन से हमारे को पूरा एक सफल आज कश्मीर टू कन्याकुमारी का जो संदेश था, आज संदेश हमारे को मिला है। नहीं, ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनकर के तैयार हुआ। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष और सभी प्रतिनिधियों को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। 63 एकड़ जमीन हमने TTD को दिया था। भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है, आप सबके लिए खुल भी गया है। मैं समझता हूं कि उनके आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में शांति, खुशहाली, समृद्धि और विकास नई ऊँचाई को छुएगा। पहले ही से एक आध्यात्मिक भूमि रही है, माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, माता शारदा के बाद अब भगवान वेंकटेश्वर की भूमि से भी के नाम से भी हम जानेंगे। अभी जैसा अध्यक्ष जी ने घोषित भी किया कि यहाँ एक वेद पाठशाला और एक अच्छा हेल्थ सेंटर भी ये लोग बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के निवासियों के प्रति भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। नमस्कार। తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, వి హావ్ కంప్లీటెడ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ లార్డ్ వెంకటేశ్వర బాలాజీక మందిర్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ హిందూ ధర్మ, సనాతన హిందూ ధర్మ ప్రచారం, టీటీడీ హాజ్ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ టెంపుల్స్ ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ కన్యాకుమారి టు కాశ్మీర్. పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ హిందూ ధర్మ ప్రచారం, టుడే we have completed the construction of Balaji temple in Jammu. Government of Jammu and Kashmir has allotted 62 acres of land to build the temple. Along with the temple, they have also requested us to build Veda Patashala and health center also.
Now we have TTD has spent almost 30 crores rupees to build the temple in the same model. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Vice Jagan Mohan Reddy, has directed us, TTD, to build the temple in the same manner. Whatever the manner we have in Tirumala, in the same manner, we have completed the construction of the temple here. From today onwards, the temple is open. सम्माननीय गृह मंत्री जी ऑनलाइन जुड़ने वाले थे इस समारोह से, कुछ अपरिहार्य कारणों के वजह से वो नहीं जुड़ सकते हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं कि इस, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा, इससे रिलीजियस टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और जम्मू के विकास को एक नई ऊंचाई मिलेगी। अभी हाल ही में जम्बू जू का उद्घाटन हुआ, लाइट एंड साउंड शो शुरू हो गया है, सुचेतगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अपेक्षाएँ भी बढ़ रही हैं, आकांक्षाएँ भी बढ़ रही हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप तेज गति से विकास को। ओम नमो वेंकटेशाय। श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करिणी तटे रमया रममानाय वेंकटेशाय मंगलम। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्तिकिंचनात् वेंकटेश समोदेवो नभूतो नभविष्यति। कलियुगांत तक श्री महाविष्णु भक्तजन के लिए, रक्षण के लिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी अवतारम। तिरुमला में पद्मावती पर्णी नार्थम श्री महाविष्णु भूलोक आने के बाद, पद्मावती पर्णी होने के बाद बालाजी अवतार श्री वेंकटेश्वर अवतार। कलियुगांत तक भक्तजनों का रक्षण के लिए भगवान आविर्भाव हुआ। भगवान लक्षलाख भक्तजनों का सभी इच्छा सफल होता है बालाजी दर्शन के लिए। ऐसा उत्तर भारत देश में तिरुमल तिरुपति देवस्थानम नया बालाजी मंदिर बना दिया। ये उत्तर भारत देश भक्तजनों के लिए इधर हिमालय पर्वत श्रेणी में बालाजी भगवान प्रतिष्ठा हो गया। हम तिरुपति से प्रधान अर्चका चीफ प्रिस्ट वेणुगोपाल दीक्षित लू, हमारा साथ 30 मेंबर्स कर्नाटका आंध्र तमिलनाडु से पुजारी आ गया। इधर 5 दिन के लिए ये प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए विशेष होम करने के बाद बालाजी का शक्ति बना दिया, प्रतिष्ठा हो गया। भक्तजनों बालाजी दर्शन के लिए सबको इच्छा सफल होता है। ओम नमो वेंकटेशाय। देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है कि तिरुपति बालाजी का ये भव्य मंदिर का निर्माण जहां पर हुआ है और आज उसके कवाड़ खोले जा रहे हैं और आम जनता के लिए तिरुपति बालाजी के दर्शन जो है वो आज से प्रारंभ हो जाएंगे। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो है ही, लेकिन देश भर के लोगों के लिए ये बहुत एक अच्छी बात भी है और जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक ये तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए कई दिन लगाकर वहाँ आंध्रा में जाते थे, तो उनके लिए ये अच्छी बात हो गई कि अब उनको दर्शन जो है वो यही मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है इससे बढ़ेगा। जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आते थे उनको भी एक और स्थान जो है वो मिल गया है। तिरुपति बालाजी के साथ देश के नागरिकों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन आस्था के साथ साथ जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ये अच्छी बात है कि पहले जो टूरिस्ट आते थे लगता था कि भाई जम्मू कश्मीर में ऐसे स्थान कम है यहाँ पर टूरिस्ट जाएं, वहाँ पर देखें सुने रुकें, लेकिन आज हमें खुशी है इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू भी हर क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ रहा है। जम्मू में अब आप देख रहे हैं कि भाई रिवर फ्रंट जो है वो बनकर तैयार होने वाला है। अभी यहाँ पर आर्टिफिशियल जो झील है वो भी दिसंबर तक बन जाएगी। जम्बू जू जो है उसका लोकार्पण हो गया है और जहाँ मानसर और सांबा सुरिंसर जो झीलें हैं उनका भी विकास हो रहा है। परमंडल उत्तरवैनी जो हमारा एक तीर्थ स्थान है और साथ में जियापोता घाट ऐतिहासिक स्थल जो है उनके भी विकास कार्य चल रहे हैं। बॉर्डर पर सुचेतगढ़ में बाघा बॉर्डर की तर्ज पर वहाँ पर परेड का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो जम्मू के लोगों को एक हमेशा से शिकायत रहती थी कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म तो है लेकिन जम्मू विशेष तौर पर जो है उससे वंचित रहता है, लेकिन आज हमें खुशी इस बात की है कि दर्शनों के साथ साथ यहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी देन है तिरुपति बालाजी का, वेंकटेश्वर भगवान जी का मंदिर जहाँ पे बनना, और खासकर जम्मू के बहुत सारे लोग भी मैंने देखा वहाँ जाते थे हिंदू दर्शन के लिए, उनको तो जहाँ मिलना ही है दर्शन मिलने ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो माता वैष्णो देवी जी के और बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने लाखों लोग पूरे देश से आते हैं और ये एक ऐसी लोकेशन है कि इसी रास्ते से निकल के जाते हैं, ये उनको भी बड़ा लाभदायक रहेगा और बहुत अच्छा है। पर्यटन के हिसाब से भी इसको बढ़ावा मिलेगा क्योंकि जम्मू मंदिरों का शहर है, इसमें तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल होना जम्मू के लिए बहुत ऐतिहासिक बात है।
62 एकड़ में फैला ये मंदिर जो कि सरकार ने को जमीन दी है, इसमें इससे भी बड़ी बात कि इसमें एक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा जिसमें उच्च स्तर की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलेंगी, और उसके बाद अत्याधुनिक केंद्र वो भी बनने वाला है जो बच्चों को आज जो सनातन संस्कृति संस्कार मिलेंगे उसके लिए भी ये रास्ता खुला है। बहुत बधाई की बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का भी, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट का भी, और खासकर हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और जल्दी से जल्दी ये तैयार हुआ। सेम टू सेम तिरुपति बालाजी वहाँ कैसे है वैसे इधर में लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जम्मू भी बहुत बढ़िया लग रहा है देखने से, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जम्मू आएंगी, यहाँ पर आएंगी? हाँ जी आ गई, पहले भी आया था, अभी ये मंदिर के लिए आया था जी। जम्मू में आप इससे पहले भी आ चुकी हैं, आपने यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए? हाँ, माता वैष्णो देवी के दर्शन भी हो गए, बहुत बढ़िया है जी। तिरुपति बालाजी मंदिर का आज यहाँ पर उद्घाटन था और जिसका जम्मू के वासियों को काफ़ी देर से इंतजार था। भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है यहाँ पर, 62 एकड़ में इस मंदिर का निर्माण हुआ है जिसका पहला फेज आज जो है लोगों को समर्पित कर दिया गया है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को आज यहाँ मूर्ति स्थापना हुई है और उसके बाद से ही ये कपाट जो है आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। भक्त जो है, श्रद्धालु जो है, यहाँ पर आकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन और उनकी कृपा पा सकते हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।